तब भी आप मुख्यमंत्री कंटिन्यू करोगे तो आप में और जैसे सोनिया गांधी सरकार चलाती थी, थी जब मनमोहन सिंह कोफिड प्राइम मिनिस्टर थे कोई फर्क नहीं तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं ये एक ऐसा ओपोजिशन है जो तो भारत की सोसाइटी को वीक करना चाहता है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान् अराइज अवेक एंड स्ट्राइव टू नोनहेच नमस्कार इस एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है ही इज अ प्रॉमिनेंट वॉइस इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड मीडिया प्रदीप भंडारी जी जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है एक सटीक पोलिटिकल एनालिस्ट हैं एक सेफोलॉजिस्ट हैं और अपनी स्पष्ट विचारधारा और गहरी समझ के चलते ही he has been at the forefront ऑफ डिबेट्स कंसर्निंग India's सोशियो political लैंडस्केप हम हिंदुत्व की भूमिका इन सामाजिक राजनीतिक जटिलताओं और हिंदुओं के भविष्य पर बात करेंगे लेट्स डाइव राइट into this दिस जहाँ प्रदीप भंडारी से बेबस हिंदू और बीजेपी के दृष्टिकोण पर बात हो नमस्कार प्रदीप जी आप जनरली लोगों को सवालों के कटघरे में रखते थे आज हमने आपको सवालों के कटघरे में खड़ा किया है लेकिन आई थिंक अब आप काफ़ी दिनों से ये रोल निभा रहे हैं फॉर बीजेपी एज द नेशनल स्पोक्स पर्सन बट मेरा आज इस पॉडकास्ट को करने का uh, जो मेन कारण था वो ये था कि द uh, इंडिक पेन उत्कृष्ट भारत सीरीज़ जो है वो उसकी कोशिश ये है कि हम यंगस्टर्स में uh, एक उत्साह जगाएं, एक इंटरेस्ट uh, जगाएं, uh, towards their ओन यू नो कल्चर towards their रूट्स primarily. Hmm. वो कहाँ से आते हैं उनके एंसेस्टर्स कहाँ से आते हैं इस पर जो है वो थोड़ा सोचना विचारना शुरू करें क्योंकि अगर नेशनलिज्म जिस पार्टी से आ, को आप रिप्रेजेंट करते हैं अगर नेशनलिज़म की फिलॉसफी को और स्ट्रेंदन करना है तो मेरा ये मानना है कि हमें यूथ में आ, एक आप सिर्फ ये बोल कर कि आप अपने देश के प्रति आ, प्रेम प्यार और वो रखिए वो काफ़ी नहीं होता है आई थिंक जब तक वो अपना रूट ट्रेस नहीं करेंगे दे विल नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिच एंसेस्ट्री दैट दे हैव कहाँ से वो आते हैं कहाँ से उनका उद्गम हुआ है जब तक वो वो नहीं समझेंगे तब तक तो so, आज के जो वार्तालाप है आई वॉन्टेड टू स्टार्ट विद इंदौर रीज़न इज आप इंदौर में पले बड़े हैं इंदौर uh, जो है uh, समय समय पर न्यूज़ में आता है फॉर सम ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट वी वॉन्ट टू हियर अबाउट इंडिया क्लैनलीनेस कम्यूनिटी जो कम्युनिटी सेंस ऑफ टू गिविंग है टूवर्ड्स देयर ओन सोसाइटी कीपिंग इट क्लीन एंड ग्रीन वेल मेनटेन्ड वो एक जो कम्युनिटी सेंस है बहुत इवॉल्व है इंदौर में uh, हमें आज तक ये एहसास दिलाया जाता है अलग अलग माध्यम से कि अंग्रेज़ों ने हमें सिविल होना सिखाया एंड uh, फ्रेंकली uh, जिस तरह से पिछले कई दशकों से हमारा देश चल रहा है और जिस तरह की सेंस एंड सेंसिबिलिटीज़ हमारे लोगों uh, में हैं सफाई के प्रति एट टाइम्स इट लुक्स अनबिलीवेबल कि हम कभी ऐसा अचीव कर पाएंगे जहाँ हम खुद डिसिप्लेंड हो कि हम कुछ चीज़ इधर फेंके नहीं या कहीं कुछ गिरा है तो उसे उठा के डस्टबिन में डाल दें आप ये बताइए कि आप के बचपन से वा, बचपन वाला जो इंदौर था उससे और आज के इंदौर में ये अंतर कैसे आया क्योंकि ये कुछ ही दशकों में आया ये अंतर लिपिका जी आपके पॉडकास्ट सीरीज़ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखिए लीपिका जी मैं कहता हूँ ज़मीन आसमान का अंतर आया मेरी स्कूलिंग डेली कॉलेज इंदौर में हुई थी और जब हमारी स्कूलिंग थी तब मैं आपकी क्लिनलीनेस की बात करना चाहूँगा देखिए कोई भी चेंज के लिए एक कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है और जैसे कहते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा अगर एक बुरी आदत कर रहा रहता है उसको एक जर्क की ज़रूरत होती है कि भाई जो तुम कर रहे हो बुरी आदत है और उसके बाद फिर उसका दिमाग खुलता है जैसे मान लीजिए अगर आप जंक फूड खा रहे हैं और अगर आपकी कंपनी में सभी जंक फूड खा रहे हैं आसपास तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पर सडनली कोई एक हेल्दी व्यक्ति जो आपका आइडल है इंस्परेशन है बोलेगा भाई क्या कर रहे हो और आप उसके जैसे बनना चाहते हो तो सडनली आप अपनी लाइफ चेंज करोगे तो मेरा मानना है कि रोल मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में कोई भी चेंज लाने के लिए सोसाइटी में और वो रोल मॉडल का काम एटलीस्ट इंदौर की जनता के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल किले से उनने सफाई की बात करी थी और उस वक्त उनका अभी भी बहुत ज़्यादा क्रेज है और प्राइम मिनिस्टर की बहुत फॉलोइंग थी क्योंकि अगर आपको याद होगा दो का चौदह का जो कैंपेन था इट वॉज़ अ पीपल लेड कैंपेन जी और आ, उसके बाद कोई प्रधानमंत्री अगर पहले क्लैंडनेस की बात करता है और उसको महात्मा गांधी के आदर्शों से जोड़ता है तो एक लोगों में एक जो कहते हैं ना सबकॉन्शियस जागरूकता वापस से जागती है और इंदौर में एक एक एज अ सोसाइटी इंदौर में क्या है कि इट इज़ नॉट अ वेरी सोसाइटी पे कास्ट ये सब ज़्यादा नहीं चलता है अच्छा अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तभी जब इंदौर के अंदर कोई मान लीजिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता है तो एटलीस्ट दस साल पंद्रह साल तक रहता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उसमें कोई मध्य प्रदेश जो एज अ स्टेट भी जब बनाता तो लिंग्विस्टिकली कोई आंदोलन से नहीं बनाता हिस्टोरिक स्वयंभू खुद में प्रदेश हो गया था करके सो so, इंदौर में आ, सबसे बड़ी ख़ासियत ये थी कि जब प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था तो एक कॉम्पिटिटिवनेस सबके बीच में हुई थी तब मुझे आ, सब सिटीज़ के बीच में थी तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि वो कोइंसिडेंस था कि मैं भी इंदौर में था और वहाँ पे लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उस बार ताई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी और जो डी एम थे सबका एक मीटिंग हुई थी सब एन जी के साथ में तब मैं अपनी मदर के एन जी ओ थैलेसमी चाइल्ड वेलफेयर ग्रुप के साथ कुछ समय इंटर्न कर रहा था और सबको कहा था कि अब ये एक पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि देर इज कॉम्पिटिटिवनेस कि कौन सबसे स्वच्छ शहर होगा एंड इट इज अबाउट आर आइडेंटिटी और इंदौर को वैसे नेशनल स्टेज पर उसके पहले डिस्पाइट जैसे देवी अहल्या भाई होलकर की बात होती है अगर तो जैसे अब काशी विश्वनाथ का जब पुनरुत्थान की बात हुई तो उसका पूरा इंस्पिरेशन तो देवी अहिल्या भाई होलकर से ही है और अगर आप उनकी जीवनी को पढ़ेंगी तो एक लौती ऐसी शासक थी जो धर्म की भी बात करती थी और कार्य प्रणाली की भी बात, बात करती, करती थी, थी। जिसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस आदर्श को आगे लेके जा रहे हैं सो so, एक कंसेंसस सब में हुआ था कि भाई हमको नंबर वन होना है Hmm. अब वो नंबर वन ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ऑर्गन ऑफ ब्यूरोक्रेसी करे सिविल सोसाइटी करे इट वाज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट तो क्या हुआ एन ने अपना काम किया जैसे मान लीजिए हम लोगों ने इस वक्त शुरू किया था कैंपेन है गिफ्ट डस्टबिन कैंपेन hmm. तो मान लीजिए इसकी जहाँ जहाँ डस्टबिन नहीं है उस शॉप को आप डस्टबिन दीजिए फिर लोकल म्यूनिसपैलिटी ने इंश्योर करा कि भाई वी हैव द बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट जिससे कि हर दिन रात को रोड्स क्लीन हो फिर जो लोकल नेता है कैलाश विजयवर्गीय जी हैं उस वक्त मतलब अभी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और अभी हमारे मिनिस्टर भी हैं और बाकी के जितने भी एम अलग अलग नेताओं ने सब ने अपने आप में एक इनिशिएटिव लिया और बोला कि हम करेंगे तो हर व्यक्ति भी उस मैसेज को प्राइम मिनिस्टर का आगे लेते हुए गया उसके बाद में एक और चीज़ ये हुई कि धीरे धीरे जब चेंजेस शुरू हुए तो लोगों को लगने लगा कि यार मेरा मोहल्ला क्लीन है इसका मोहल्ला क्लीन नहीं है तो मेरे को भी अपना मोहल्ला क्लीन करना चाहिए फिर नगम निगम ने सुबह शाम सुबह दोपहर और शाम जो है कचरे की गाड़ी भेजना शुरू किया जिसमें आप कचरे को मान लीजिए गीला कचरा और सूखा कचरा को आप अलग जो है डिस्पोज कर सकते हैं और एक सेंस ऑफ कलेक्टिव मूवमेंट बन गया फिर जब फर्स्ट ईयर में रेटिंग आई और हम लोग नंबर वन पर पहुँचे तो उसके बाद में क्यों गया कि अचीवमेंट के रे, के, रे, के रिस्पेक्ट में उसको सेलिब्रेट किया गया तो सबको ये लगा कि भाई हमारी हम लोग ने मिलकर इसको किया है हाँ। तब तो मुझे याद है कि तब तो हम लोग ने भी एक कैंपेन किया था मन का कानून के नाम से कैलाश विजयवर्गीय जी उसमें चीफ गेस्ट थे और करीबन डेढ़ एक सौ बीस स्कूल को मैंने अपने मदर के साथ में हम लोगों ने इकट्ठा किया था इंक्लूडिंग विद दी एनसीसी और नेहरू नह, स्टेडियम जहाँ पे पहले सचिन तेंदुलकर ने पहले क्रिकेट का ग्राउंड हुआ करता था अब तो नया बन गया जब सचिन तेंदुलकर ने अपनी हंड्रेड रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बट नाउ दैट इज़ यूज़ फॉर पब्लिक इवेंट तो हमने वहाँ पे सौ स्कूल को इकट्ठा करके एक शपथ दिलवाई थी मन के कानून के नाम से कि हम जो अपने स्कूल को क्लीन रखेंगे कचरा नहीं फेंकेंगे अगर कोई दूसरा कचरा फेंका है तो उसको टोकेंगे तो सबने एक शपथ ली थी तो फिर क्या हुआ कि एक सबका सेल्फ मॉरल थिंग हो गई थी एक सीधा उदाहरण देता हूँ किस हद तक पहुँच गया था मुझे याद है कि जैसे एक ये कैलाश उजवर्गी के साथ मैं बैठा था तो मुझे कैलाश जी सुना रहे थे कि एक गाड़ी थी उसने कचरा रोड पे फेंका था उनके सामने जो है गाड़ी ने रोड पे कचरा फेंका तो उनने उस गाड़ी को पांच किलोमीटर तक फॉलो मतलब दो किलोमीटर तक फॉलो किया उसको रुकवाया बोला वापस रिटर्न करूं कि कचरे को जाके डस्टबिन में डालो तो उसने डस्टबिन में डाला अब से वो ऐसा उन्होंने नहीं किया सब लोग भी ऐसा करने लग गए तो क्या हुआ कि कोई भी ये नहीं देख सक देखना चाहता था कि भाई मेरा मोहल्ला क्लीन ना रहे और ऐसा ना हो मेरी वजह से सिटी जो है वो नंबर वन स्पॉट से नंबर टू पे आ सके सो एज एट ऑलवेज चेंज रिक्वायर्स अ कैटलिस्ट दैट कैटलिस्ट बिकेम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी

इसीलिए वो आगे कंटिन्यू हुआ तो इट इज फ्रॉम डिस्पोजेबल डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट टू कलेक्शन ऑफ द वेस्ट टू इंश्योरिंग दैट इट बिकम्स अ पब्लिक मूवमेंट सो एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नेंस वाज टेकन केयर ऑफ बिफोर वी मूव अहेड जस्ट अ स्मॉल रिमाइंडर टू हिट द सब्सक्राइब बटन वेरी इंटरेस्टिंग बट अगर ऐसा कोई यहां दिल्ली शहर में घूमे कि उसको फॉलो करे किसी गाड़ी को रोक के बोले तो सबसे पहले तो मारपिटाई होगी इसमें मैं आपको बताऊँ क्या इशू क्या है हाँ। इसलिए है क्योंकि जैसे इंदौर फॉर एग्जाम्पल या कोई भी दूसरा स्टेट है वहाँ पे जैसे दिल्ली में अब दिल्ली में से यूपी, यूपी से भी लोग आके यहाँ पे काम कर रहे हैं हरियाणा से भी लोग आके काम कर रहे हैं सो दिल्ली आप कह सकते हो मिनी इंडिया करके है और वहाँ पे आपको सब ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को एक साथ में रखना एक चैलेंज है तो मान लीजिए कि यहाँ पे केंद्र में सरकार हमारी है यहाँ पर राज्य की सरकार कोई दूसरे की है तो अगर हम स्वच्छता इम्प्लीमेंट करने की बात करेंगे तो राज्य सरकार को लगेगा कि अरे तो बीजेपी के एजेंडे को हम क्यों इम्प्लीमेंट करें अब तो एम भी उनके पास में है स्टिल दिल्ली क्लीन नहीं है तो जब कोई बड़ा चेंज होता है ना लिपिका जी तो एटलीस्ट एटलीस्टल उस स्टेट में उस समय सबका समन्वय होना जरूरी है ये मैं समझता हूँ मेरा जन्म और मेरी जो परवरिश है वो दिल्ली में हुई है जी और आज की दिल्ली इतनी गंदी है जी तो जो आप अभी बात उठा रहे थे मैं उसी बात पे आने वाली थी कि कितना इम्पोर्टेंट है कि स्टेट मतलब आई यू ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज कि अगर सेंटर और स्टेट में सेम गवर्नेंस ना हो तो कोई भी स्कीम uh, इम्प्लीमेंट करना या एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं है फिर ऐसे तो कई ऐसे स्टेट्स हैं नहीं ही कुड स्टिल इंश्योर दैट उड़ीसा के अंदर वर्क सो वट आई ट्राइंग टू सेट देर हैजू बी सम अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल कंसेंसेज ऑन सम मैटर्स ऑफ गवर्नेंस एंड सम मैटर्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट वेयर पॉलिटिशियुड अंडरस्टैंड अक्रॉस पार्टी लाइन्स दैट वी कैन हैव अदर एस्पेक्ट फॉर पॉलिटिकिंग बट नॉट दिस से फॉर एग्जाम्पल क्लिनलीनेस अब अगर मंदिर साफ रहे और मंदिर स्वच्छ रहे या मेरे घर के सामने कूड़ा नहीं रहे इसमें तो सबका फायदा है लोगों की सोच कितनी छोटी होती है कि भाई अगर मैं कोई लटे दिल्ली के अंदर रह रहा हूँ गॉल्फ रिंग के पास में तो मेरा तो, तो गोल्फ रिंग क्लीन है तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है कि सरिता विहार क्लीन है कि नहीं है फॉर एग्जाम्पल संगम विहार क्लीन है कि नहीं है तो हमें इससे उठना पड़ेगा दैट इज वेयर इट टू चेंज पर्टिकुलरली इन हाउ आई लुक एट इट

आप अपने थर्ड टर्म में हैं कुछ स्कीम्स को कंटिन्यू करना क्योंकि स्वच्छता एक दिन का स्कीम तो है नहीं इट्स अ कंटिन्यू स्कीम सिमिलर टू अलॉट ऑफ अदर स्कीम्स दैट द गवर्नमेंट हैज लॉन्च उसको फर्दर कंटिन्यूस करके इम्प्लीमेंट करते रहना उस पर उसी लेवल की जागरूकता और उसी लेवल का एक कम्युनिटी फीलिंग जागृत करना वो कैसे पॉसिबल होता है देखिए ये मेरे हिसाब से स्वच्छता तो एक मूवमेंट बन चुका है फॉर एग्जाम्पल इन रैंकिंग अगर आप देखेंगे अगर आप रैंकिंग को हर हर साल स्टडी करेंगे तो ऐसा नहीं कि टॉप हर साल सेम रैंकिंग पे रहे हैं सो आई एम अल्टीमेटली स्वच्छता एटलीस्ट सिटी लेट थिंग एंड एवरी स्टेट एंड टू डू सो नाउ ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द स्कीम देखिए मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा डिफर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग असंत बहुत जल्दी असंतुष्ट हो जाते हैं और ये ह्यूमन स्वभाव है अगर आप एक रिलेशन या फैमिली की भी बात करें तो जरूरी नहीं है कि फैमिली में हर व्यक्ति हर हर दूसरे व्यक्ति के साथ हमेशा mm -hmm. खुश रहे सो इफ यू इमेजिन इन अ गवर्नेंस इफ अ प्राइम मिनिस्टर इज एबल टू कम बैक कॉन्स्टिक्यूटिवली टू टाइम्स विद फुल मेजारिटी इंड थर्ड टाइम विद अ वेरी वेरी स्टेबल कोलेशन दिस इज नॉट हैपन इन द लास्ट फोर्टी फिफ्टी ईयर्स पर्टिकुलरली वन द सोसाइटी इज गेटिंग मोर एडुकेटेड एन ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ वी आर लिविंग इन सरप्लस सप्लस में वी आर लिविंग इन इन्फॉर्मेशन डेफिशिय सो दैट आई बिलीव दिस इज हिस्टोरिक स इन पॉलिटिक्स में आप जनरलीसलीप ऑन इम्प्रूविंग कैसे बढ़ सकते हैं कैसे ज्यादा आप सपोर्ट ला सकते हैं नाउ हैविंग सेट दैट ऑन दी अदर एस्पेक्ट जो आपने बात करा जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल बेसिक थिंग लाइक आवाज विच इज हाउसिंग अब हाउसिंग में इन द लास्ट हंड्रेड डेज आई वॉज टेकिंगशन इन द रूरल एरियाज टू बी बिल्ड सो से देर आर टू एस्पेक्ट वी एक तो होता बेसिक नेसेसिटीज जिसमें हमेशा कंटिन्यूटी रहनी चाहिए दैट इज हाउसिंग हो गई भाई आदमी को पक्का घर मिले बिजली हो गई कि उसके घर में बिजली आए तीसरी उसको खाने का मतलब प्रॉपर अच्छा खाना मिले चौथी है कि भाई मान लीजिए किसान है तो उसको फसल का सही दाम मिले तो ये बेसिक एस्पेक्ट्स हो गया सब आ, सब तो जैसे मान लीजिए एक छोटा बिजनेस है तो उसको लोन मिल जाए कम आ, कम कोलैटरल पे देके या जीरो कोलैटरल पे देके ना दूसरे होते हैं विच आर लाइक द बिग बैंग रिफॉर्म्स जिसकी आप बात करते हैं विच ऑब्वियसली चेंजेस फ्रॉम टर्म टू टर्म एंड विच फ्रॉम ईयर टू ईयर सो दैट इज वेयर द चेंज विल हैपन कॉन्टिन्यूटी विल ऑलवेज हैपन ऑन द बेसिक नेसेसिटी थिंग but if you look at the statistics also most of the cities competing are the uh, so-called tier two cities Correct. or the smaller cities absolutely now what's going wrong yeah. with the urban cities like metro cities especially they <clears throat> are still continuing to feel huge pressure of people coming in from different uh, states yeah there is not the development the pace of development the way things are going are not really moving in the bangalore deccan bombay deccan jee delhi deccan चेन्नई देख लीजिए सारी जो मेट्रो सिटीज हैं कलकत्ता तो ऑलरेडीड एंड तो इन सिटीज का हाउ डू यू सी आई आई समा फील दैटर इज कैन एनी फॉर एग्जांपल जस्ट ऑन लार्जर नेशनल स्टेज पे 2014 के पहले में आपको जनरली बनाओ नेशनल सिक्योरिटी अगर आप लीजिए नेशनल सिक्योरिटी वेरी डिस्पैशनट एनलिस्ट अगर आप देखेंगे दो के पहले और अब में दर इज़ एज इन टर्म्स ऑफ आज किसी भी आप हिंदुस्तानी से बात करोगे रोड पे अपने आप को सेफ महसूस करता है कि भाई हाँ कुछ गलत नहीं होगा बम नहीं फटेगा कुछ नहीं होगा दैट इज अ सेफ्टी विच इज सबकॉन्शियसली टच वु कम इनटू दिस सोसाइटी बिकॉज ऑफ अ कंप्लीट ओवरऑल आप 2014 के पहले का आ, आप उठा के देखिए हेडलाइंस देखिए हर तरफ देर वॉर्ज अस ऑफ इन विच इज देर सो दूज चेंज विच इज टेकन प्लेस ये फॉर एग्जाम्पल इन द डिटिटल पार्ट ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नो बी वुड इमेजिन से एट ईयर डाउन द लाइन ऑल्सो टेन ईयर डाउन द लाइन ऑल्सो दट यू एंड मी के ट्रांजेक्ट

Hmm. The, the, वही सिस्टम है वही ब्यूरो कुछ, कुछ भी बदला नहीं सिर्फ है सिर्फ लीडरशिप बदली है लीडर बदला ने लीडर ने उसको एग्जीक्यूट करा है इट इज ऑल द लीडरशिप आई बिलीव चेंज है बॉटम ना आई विल कम टू दिटी पास I think we need to rethink and renovate and that is where the new thinking is coming that do we need to make on the tier 1 our cities do we need to make our mayors more powerful at some places at some at least on the aspect of say uh, certain local aspects of governance can we make the mayor more powerful than the district magistrate बिकॉज द मेयर इज स्टिल इज इलेक्टेबल एंड अकाउंटेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एट दैट इज नॉट इलेक्टेबल एंड अकाउंटेबल ही कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड कैन वी डू दैट एंड एंड इट इज समथिंग विच अगेन अगर आप पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटीज पास में डेबरेशन उठा के देखेंगे सो देर बीन लॉट ऑफ डिस्कशंस इंड डेलीबरेशन ऑन इट इस पर कंसेंसस नहीं हुआ है तो विद रिस्पेक्ट टू सिटी पार्ट ऑफ गवर्नेंस हमें इस पर सोचना होगा कि हम क्या जो क्या इलेक्टेड को और ज्यादा पावर दे सकते हैं आई एम ऑफ द फर्म व्यू दैट मोर द इलेक्टेड गेट्स द पावर

फेसलेस गवर्नेंस का लॉजिक यही है कि वाई शुड आई बी कनेक्टेड टू माई बाबू आई शुड गेट माई बेसिक वर्क डन इस सिंपल थिंग लाइक पासपोर्ट के लिए पहले आपको पता है कि इतने पापड़ भिड़ने पड़ते थे सो ऑन दिस पार्ट ऑफ आर सिटीज़ आई डू बिलीव वी हैव टू री थिंिंक ऑन इट नाउ दैट कैन ओनली हैपन अगेन देर इज अ कॉम्प्लेक्सिटी टू इट से फॉर एग्जाम्पल सिटी लाइक चेन्नई नाउ द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु विल नेवर लेट अ होल्ड गो फ्रॉम चेन्नई टू एनी मेयर हु इज एज पावरफुल एंड हैज अ पैरल A system of governance on any aspect of the city, hmm. whether even it is to do with cleanliness and all. So, at the end of the day, the conclusion which I draw, leave apart Delhi, which is a semi UT, all the other things can be corrected by the chief minister. So, if you see Chennai, it is, uh, if the Chief Minister of Tamil Nadu wants, anything can happen because of the budget is in his control. From local governance to making it the IT capital to everything. See how Hyderabad has transformed as a place. See mm. Bangalore, how it has transformed. Now people are questioning the civic amenities. So tomorrow it will become an election issue on which governments can be voted in, and voting out, mm. which are there. But uh, ultimately, all these cities, bearing apart Delhi, are all in a proper state. So it will ultimately be the responsibility of the Chief Minister.

उठ के आता है एंड इट्स अ वेरी कॉमन साकास्टिक कमेंट पास कि 2014 के बाद ही सब हुआ है उससे पहले कुछ नहीं हुआ है तो मैं आपसे अब पॉलिटिकल चीज़ों पे बात करती हूँ uh, कई चीज़ें सुधरी हैं बहुत ऐसी चीज़ें सुधरी हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे अंडर पी एम मोदीज़ लीडरशिप आई एम श्योर देर बीन ट्रिमेंडस चेंजेस देट हैपन लोगों के एटीट्यूड में भी धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ है दे बिकम मोर यू नो शोर अबाउट दैमसेल्स देयर आइडेंटिटी एंड एक वो जो प्राइड का सेंस है वो धीरे धीरे लोगों के अंदर आना शुरू हुआ है uh, लेकिन कई चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं अगर आप मनीपुर uh, की स्थिति देखें आप असैम का डेमोग्राफिक चेंज देखें हम रोज़ न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि uh, हिमंत बसो शर्मा जो हैं वहाँ रेगुलरली ही इज़ यू नो वर्किंग टूवर्ड्स रिमूविंग दिस मेनस

इलेक्शन uh, कैंपेंस के लिए जाते हैं लेकिन मणिपुर के लिए उनके पास समय नहीं है आप uh, अगर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन की बात करें तो भले ही बम नहीं फट रहे हैं लेकिन जगह जगह आप देखें तो बहुत सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं जिसका एलिगेशन ये लगता है कि क्योंकि बीजेपी पावर में है और वो अपना हिंदुत्व लोगों पर थोपना चाह रही है तो जो पीसफुल को का uh, माहौल था वो डिस्टर्ब हो गया है लोग ज़बरदस्ती एक दूसरे

from an element of removing a self-bias nobody and i say this with huge sense of responsibility nobody can discount the fact that prime minister narendra modi has taken this country forward nobody you look at every global serious commentator they agree with it if you look at the economy the fundamentals of the economy are rock solid which was not the case in the past. If you look at national security, nobody can say that Prime Minister Narendra Modi has compromised on the national security. If you look at welfareism and if you see the scale of welfareism with zero corruption and zero element of uh, policy corruption, these three are aspects which no government in the last 50 years has been able to achieve. And this I say with and I say this with huge amount of responsibility, and you can check it. And I will come to Manipur after this. Uh, first, let us look at the larger पार्ट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेलफेर इजम नो बडी कूड इमेजिन दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड यू रिमेबर की कैसे लोग कह रहे थे कि जो वैक्सीन है बहर की वैक्सीन लो बाहर की वैक्सीन लो इट टू ओली अ लीडर जो सिर्फ और सिर्फ देश के इंटरेस्ट की बात कर सकता था इसने मेड इन इंडिया वैक्सीन्स को आगे दो सौ करोड़ वैक्सीन तक लगाया और आज हिंदुस्तान को गेट ओवर द मोस्ट आई वुड से बिगेस्ट पैंडमिक इन द लास्ट हंड्रेड ईयर्स नंबर वन ऑन द नेशनल सिक्योरिटी फ्रंट आई डोंट थिंक एनी गवर्नमेंट इन द पास्ट फोर्टी ईयर्स एंड फोर्टी ईयर आई एम टॉकउट ने ये सोचा होगा कि भाई अगर हमारे जवानों पर अटैक होगा तो हम जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं नाउ आई टेल यू ह्यूज डिफरेंस नो बडी इन वर्ल्ड टॉक्स इन अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान इन द सेम ब्रेथ आप कमेंट्री उठा के देख लीजिए द कॉमेंट्री इज ऑलवेज अबाउट कैन इंडिया भी द नेक्स्ट सेमी कंडक्टर हब कैन इंडिया भी इज द इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोमी कैन इट बी दास्ट ऑफ द चाइना प्लस वन सो नो टॉक्स अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान इन द सेम ब्रेथ एट एनी ग्लोबल स्टेज वी हैव डी I would say dehyphenated Pakistan from the commentary and our commentary now is इफ यू रिमेंबर वॉट डट द फॉर्मर डिप्लोमेट ऑफ सिंगापुर सेट कि भाई यू के शड गिव अवर सिक्योरिटी मेंबरशिप परमनेंट मेबरशिप शिव एंड गिवेट टू दिवे टू इंडिया बिकॉज इंडिया राइटली डिजर्व इट वॉट डिड पुटन से दैट वी वॉन्ट इंडिया टू मीडिएट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया एंड फॉर द पीस टॉक इवन यूक्रेन ऑल्सो अग्रीज दट इंडिया कुड अग्री टू अ पी स्टॉक इवन इट इटली ऑल्सो अग्रीज दट इंडिया कुड अग्री टू अ पीट टॉक दिस अ ह्यूज सेंस ऑफ चेंज विच इज दैट सो दीज आर लार्जर थिंग्स विच आई टॉक अबाउट वेलफेयर इजम एज अ स्पीक एंड आप ट्रेवल करेंगे कोई मना नहीं कर सकता कि काम हुआ है मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर अब मैं आता हूँ दो एस्पेक्ट्स पे देखिए मणिपुर के बारे में आई कैन टेल यू फॉर श्योर एंड दिस इज वॉट द स्टेटमेंट द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो मेड इट होम मिनिस्टर अमित शाह स्पेंड सिग्निफिकेंट टाइम इन मणिपुर ना इफ यू लुक एट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन पर्टिकुलर इन द पास्ट यू हैव सीन दैट दे इन द पास्ट एक दौर था जब कर्फ्यू एक नॉर्म हुआ करता था आफ्सपा हर नॉर्थ सेकंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर आफ्सपा लगी रहती थी, थी। आफ्सपा अगर कई जगह से हटाने का काम किया वो इस गवर्नमेंट ने किया है और वो कोई एज अ पॉलिटिकल नहीं किया आफ्सपा तब हटती जो आपको लगता है कि जो आपकी स्टेट मशीनरी है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकती है दैट इज द लास्ट रिजॉर्ट इज टू गेट दर्मी फॉर एन इंटरनल थिंग Now I will not comment in specific with Manipur because there are a lot of angles to it. Some are saying that it is uh, to do with certain external powers also operating and working. It is no longer about between a uh, uh, conflict between the uh, metis and the cookies. It is something which is larger. That is what a lot of geopolitical experts are seeing, which I am also reading about. But I am confident of this fact that uh, whatever the solution will have to happen. The Prime Minister in this government will take a reasoned solution. It will not compromise your national security in the case of Manipur also. Hmm. Is the situation ideal? Absolutely not. Is the government working to make the situation better? Absolutely yes. So I do agree and understand your concern on Manipur. And it's a valid concern. But is the government absolutely not aware about it? It is. Is it not working towards it? It is, is what I get. No, say. but solutions um, do take time. It takes But, there, but, is, but there, is, there, is, there is no communication also in that. See, scenario. I will again. I don't At times believe, you have to speak so, uh, that, so we can differ on that, because ultimately uh, the communication has to be with the stakeholders involved there with the peace process in Manipur. Hmm. It need not be with the larger Indian audience. Every communication need not be to address the political criticism. Particularly with Manipur, it is to do with national security. Is hmm. how I perceive it, and the communication has to be with stakeholders who are concerned in order to ensure that peace and uh, peace prevails in Manipur, and uh, an ideal situation is uh, reached in Manipur. Assam as you rightly said that the chief minister of assam has uh, uh, has been repeatedly pointing about a significant demographic imbalance correct i believe the chief minister is extremely capable to address it and this mm. and the chief, the people of money uh, the

नहीं, और कुछ उसे में, लालू यादव को 1997 में बेल मिली थी। उनका उसके बाद प्रोसेस ऑफ लॉ इस देश के अंदर एक समय लेता है और ये देश के अंदर आप जो है ये देश रूल ऑफ लॉ प्रोसेस ऑफ लॉ से चलता है क्या जब अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी का कोई भी व्यक्ति जब जेल में गया क्या किसी कोर्ट के ऑर्डर के बगैर गया हर कोर्ट ने उसको सही साबित किया था अभी भी जो कोर्ट ने उनको जेल के बाहर कहा है वो मेरिट्स ऑफ द केस पे नहीं गया उन्होंने कहा है कि ट्रायल जो है उसमें समय लगेगा इसीलिए अब जो है ऑलरेडी सीबीआई ने जितने एविडेंसेस को कलेक्ट करना था वो अपने पोजेशन के अंदर ले लिया है दो विटनेसेस से बात दो विटनेसेस से बात की जा चुकी है पिछले दो सालों के अंदर चार चार्जशीट चार चार्जशीट सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और सत्रह एक्यूज हो चुके हैं सो दर इज़ अज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच इज़ गॉन Hmm. Now the charge sheets have also been filed. Now trial has to start. Hmm. So it is a very logical thing that when the trial has started, you have already collected the evidences. There is no logic of keeping the person in jail. So the person is out. Not on the merits of the case. Not a single has commented that the case is a false case. सूर्यकंत गोज एड एंड सेट दाइसटेज प्रॉफिट था उसको अपने बारह परसेंटेज कर दिया था जिसके रिटर्न में जो विंडफॉल गेंस आए थे वो होलसेलर्स ने आपको गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल करने के लिए दिया दिस इज द प्राइमेसी दसेंस ऑफ द केस दिस नो कोर्ट हैज सेट दैट द एसेंस ऑफ द केसेज फॉल्स Hmm. The, all the courts who have given bail, whether it is to Mr. Manish Sisodia or it is to Mr. Arvind Kejriwal, all have given it on the basis of pendency of trial. But the question is, even in the case of Mr. Manish, uh, Arvind Kejriwal, the court has written that he cannot charge his duties as the Chief Minister of Delhi. That is, he cannot sign on a single file. He cannot go to the Chief Minister's office. So morally, for a leader who had come on a plank of 100% honesty, how can he continue to be the Chief Minister of he Delhi? Something resign. which he should answer to the people of Delhi. See. You will live, win an election, you will lose an election. Sheila Dixit at a time was considered to be infallible in Delhi. But she also lost an election. Tomorrow, Mr. Arvind Kejriwal will also lose an election. But... ट वी एस पॉलिटिशियस वट आर दफ प्रोबर्टी पुटिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल इफ दिस इज वॉटिडेंट एंड अरविंद केजरीवाल का मुकदमा भी चल रहा है तब भी आप जेल से भी सरकार चलाओगे तो आपने लालू प्रसाद यादव में कोई फर्क नहीं है और अगर आपको चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप कोई फाइल पर भी नहीं साइन कर सकते तब भी आप मुख्यमंत्री कंटिन्यू करोगे तो आपने और जैसे सोनिया गांधी सरकार चलाती थी, थी जब मनमोहन सिंह पापे प्राइम मिनिस्टर थे कोई फर्क नहीं है तो आप क्या चेंज की बात करें तो आप जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे बिल्कुल जायज रूपे कौन से बदलाव राजनीति आपका शिवाय शराब घोटा लेके लेकिन कहा जा रहा है कहा तो ये जा रहा है कि सीबीआई के घर आरती करने के बाद जो है अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है आ, आपके टेररिज्म एक्ट के अंदर जो जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट हैं उनको फिर बेल दी गई है ताकि वो कॉन्टेस्ट कर सकें इस तरह के जो आरोप लगते हैं आरोप से ज्यादा जो इस तरह की इनसिमिनेशंस मार्क्स पास किए जाते हैं बट

समय से बात चली, लेकिन be, कुछ हुआ नहीं जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट लाइक इलेक्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट यू ट्राइ टू गेट चेंजेस टू इट इट वॉज नॉट लुक फ्रॉजिटिव प्रिज्म ऑफ इंटरफेरिंग विदिशियल इंडिपेंडेंस सो ए I, uh, the question that this country and the discourse needs to answer that can any organ of the government, uh, any organ of the state be given absolute independence? the judiciary is, i believe that the judiciary is the state of the art. the judiciary is the organ which ensures that the constitutional principles of liberty, uh, liberty, fraternity are protected. having said that, uh, judges appointing judges, ke upar, kai former chief justices, kai, uh, लर्नड एडवोकेट्स ने भी अपनी राय रखी है तो उस पर जब जैसे उसमें आगे चीज़ें बढ़ेंगी वो आगे बढ़ेंगी पर अब बात करते हैं गणपति जी की उस पर दिक्कत ये नहीं कि मुख्य कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऑनरेबल चीफ जस्टिस के वहाँ गए दिक्कत है गणपति जी से क्योंकि प्राइवेट वेडिंग्स तो पास में भी अटेंड हुई है इफ्तार तो पास में भी अटेंड हुई है सब वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो बालाकृष्ण जी से बात कर रहे हैं कैसे मनमोहन सिंह किसी और से बात कर रहे थे तो निरुपमा राव एट दैट टाइम स्पीकिंग टू बालाकृष्ण जी कितनी वेडिंग्स हो चुकी स्टैलिन जी की सब वीडियोज आ चुके हैं मतलब आपको डेटा नाइनटीन में नेहरू जी कितनी वेडिंग्स में गए हैं इंदिरा जी कितनी वेडिंग्स में गई हैं दो में ममता बैनर्जी uh, कलकटा हाईकोर्ट के जज की वेडिंग में गई थी जो खुद बंगाल सरकार के, के केसेस को हैंडल कर रहा था तो हम एज ए सोसाइटी में आइसोलेशन में नहीं रह सकते ये परंतु दिक्कत ये है कि ये बहुत निचले स्तर की राजनीति हो चुकी है और मैं इसमें आपको एक दस सेकेंड की बात बताऊंगा अभी कर्नाटका में कल क्या हुआ आपने फोटो देखी होगी कैसे गणपति जी को जो गणपति प्रोसेशन लेके जा रहे थे लोगों ने गणपति जी को पुलिस के वैन के अंदर छोड़ा था सो दैट इज दैट इज द आर इशू दैट आर अपोजिशन इज जस्ट नॉट अ पोलिटिकल अपोजिशन इट्स एन अपोजिशन विच अपोज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द भारतीय सोसाइटी विच इज सनातन बट प्रदीप जी सवाल वापस यही आ जाता है कि सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चीफ़ मिनिस्टर्स मॉरल दिस थिंग आप चीफ़ मिनिस्टर पे डाल सकते हो केजरीवाल पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, और जुडिशरी जुडिशरी पे डाल सकते हो लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जाती है जहाँ आप कहते तो रहते हैं कि राहुल गांधी पे और सोनिया गांधी पे इतने केसेस चल रहे हैं फिर भी आप अलाउ कर रहे हो कि वो पॉइंट फाइव ढाई जो हमारे एनिमी है टू एंड हाफ फ्रंट्स पे जो हम लड़ रहे हैं वो पॉइंट फ्रंट को आप कंट्रोल नहीं कर पाए हैं इवन आफ्टर टू टर्म्स एंड नाउ यूर इन द थर्ड टर्म वेयर इट्स गोइंग बी अपेरेंटली अ वीकर गवर्नमेंट सो टू से दैट्स व्हाट आई डोंट बिलीव दैट इट्स अ वीकर गवर्नमेंट वी आर अ वेरी स्ट्रांग गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो होती है अगर लोग को लगता है कि वीकर है तो देखो गवर्नमेंट के एस्पेक्ट को नहीं समझते क्योंकि आई कैन गिव दिस ट्यून राइटिंग नो डिसीजन जो पॉइंट टू जीरो में लिया गया था और थ्री जीरो में लिया था उनकी बिल में कोई फ़र्क नहीं होगा और ये आप आने वाले समय में देख लेंगे और अगर आपने किसी ने माइन्यूटली पिछले सौ दिन को स्टडी किया होगा तो आपने देखा होगा कि नॉट इवन वन परसेंटेज जो है ये गवर्नमेंट लेफ्ट और राइट हुई है वी कैन डिबेट ऑन दी स्पेसिफिक्स ऑफ इट अब मैं बात करता हूँ जो आपने बात करी मेरे हिसाब से अगर आप पाकिस्तान अगर आप पाकिस्तान और चाइना की बात कर रही हैं आई एम नॉट रॉन्ग मेरे हिसाब से आज की तारीख के अंदर पाकिस्तान Uh, और हिंदुस्तान के बीच में इट्स ओनली बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट दैट पाकिस्तान से टेरर जो है वो हिंदुस्तान के अंदर कंपेयर टू वॉट इट वॉज इन द पास कंप्लीटली कंट्रोल हो चुका है चाइना <laughs> की अगर आप बात कर रही हैं सो so, आज चाइना uh, और हमारे बीच में आई वॉज रीडिंग एस्टर दैट सेवेंटी फाइव परसेंटेज डी एस जो जो बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है वो ऑलरेडी एज पर द मिनिस्टर दैट इज बीन रिजोल्व एंड देर इज बीन अ कॉन्सेंस ऑन इट एंड नो वेयर इन द वर्ल्ड स्टेज है उनकी बात हो रही है इंटरनल एनिमी स्लोली इट इज बी परसिव की उनकी वॉइस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है हमारा जो एग्जिटिंग गवर्नमेंट है या पिछले दस साल से जो मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है जिस स्ट्रॉन्ग वे में जाना चाहिए टू अपोज़ एंड टू इंश्योर कि ये पॉइंट फाइव परसेंट ग्रो ना करे वो नहीं इफेक्टिव देखिए आप आ, हर समय एक ही फॉर्म में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते जैसे अगर आप एक फॉर uh, एग्जांपल uh, आप जरूरी नहीं है कि अगर आप बैकफुट पे रह के किसी बॉल को आउट ऑफ बाउंड्री सिक्स मार रहे हैं तो वो सिक्स नहीं होगा और सिर्फ फ्रंट फुट पर अगर आप रह के सिक्स मार रहे हैं तो सिक्स होगा कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग को ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है कोर्ट एंड कोर्ट बैक पर वो परसेप्शन सही नहीं है uh, आप लोग की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा है विच इज़

हम उस तारीख को एक्स से वाई तारीख की बात कर सकते हैं पर बिना कोर्ट के तो हम नहीं कह सकते ना इसी सरकार में राहुल गांधी जी बेल पे बाहर हैं इसी सरकार में नेशनल हेराल्ड पे स्कैम हुआ है इसी सरकार में, में चिदम्बरम जी को भी केसेस के ऊपर वो जेल जाना पड़ा और बेल पे बाहर है इसी सरकार के ऊपर जो है अरविंद केजरीवाल जी का जो और आम आदमी पार्टी का शराब घोटाला जो है बाहर है और इसी सरकार में जीरो पॉलिसी करप्शन हुआ है पर जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो फॉलो हमको करना ही पड़ेगा ना ये मैं आपसे कह रहा हूँ एक समय हुआ करता था लिपिका जी जब बैंकों का पैसा कुछ लोगों को दिया जाता था आज आप उठा के देखिए जो पंजाब नेशनल बैंक जो एक समय में डेट लोग कह रहे थे कि भाई ये खत्म हो जाएगा बैंक आज वो प्रॉफिट के अंदर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसकी मिस्टर गांधी ने बात करी थी कि भाई खत्म हो रहा है आज वो रिकॉर्ड क्वार्टरली प्रॉफिट कर रहा है एलआईसी रिकॉर्ड प्रॉफिट कर रहा है तो ये कैसे हो रहा है क्योंकि पॉलिसी करप्शन तो नहीं है ना पर हाँ मैं मानता हूँ कि ये कलयुग है जिसमें धर्म और धर्म के बीच में लड़ाई है और हमारा सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन पॉलिटिकल अपोजिशन नहीं है ये एक ऐसा अपोजिशन है जो भारत की सोसाइटी को वीक करना चाहता है फॉर एग्जांपल राहुल गांधी जी ने कहा था कि भाई इस देश के अंदर सिख को अपनी पगड़ी पहनने नहीं दिया जा रहा राहुल गांधी जी ने कहा था कड़ा नहीं पहना जा मुझे बताइए कहाँ ऐसा हो रहा है पर ये क्यों कहा जा उसके जस्ट बाद चौबीस घंटे नहीं होते हो, चंडीगढ़ के अंदर एक ब्लास्ट होता है जिसके अंदर खालिस्तानी एलिमेंट पाया जाता है और एक लीडर ऑफ अपोजिशन की स्टेटमेंट से एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पन्नू सब रहे हैं पर हाँ हम लोग इंदिरा गांधी जैसे वाले नहीं है टोटलीटेरियन नहीं है इसीलिए उस पर हम विश्वास नहीं रखते आप, आप मुझे बताइए is... इस सरकार ने एक भी बार आर्टिकल कोड एंडल थ्री फिफ्टी सिक्स को डिप्लॉय नहीं किया हम लोग प्राउडली इस बात को इसलिए कहते हैं बिकॉज दी प्राइम मिनिस्टर इज अ वेरी यू कैन क्रिटिसाइज दी प्राइम मिनिस्टर अगर अभी तेलंगाना में अभी राहुल गांधी को किसी ने के आ, से एक सवाल पूछ लिया था उनके यू एस ट्रिप में उनके एडवाइजर्स और क्लोज एड ने जाके उस जर्नलिस्ट राहुल का फ़ोन में से डेटा डिलीट कर दिया उसको अब्यूज़ कर दिया और उसका पूरा फ़ोन छीन लिया आप बताइए कभी ऐसा कुछ हुआ है जो वही राहुल गांधी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इंटरव्यू तो दे नहीं पाते वो

एक्स एक्स नंबर लोगों से चीज़ करते हो वहीं अगर मैं मान लीजिए वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन आपके साथ कर रहा हूँ इट्स अ नो होल्ड नो होल्ड बाट कॉन्वर्जेशन आप हर सवाल पे पूछ सकते हैं आप उठा के देखिए प्राइम मिनिस्टर ने इस बार जितने इंटरव्यूज़ प्राइम मिनिस्टर ने दिए थे वन परसेंट भी राहुल गांधी ने उसके इंटरव्यूज़ नहीं दिए क्यों प्राइम मिनिस्टर नथिंग टू हाइट ही गेव इंटरव्यू टू मेजारिटी ऑफ द पीपल मेजारिटी ऑफ द पीपल हाँ पर वो ऐसे लोग को थोड़ी इंटरव्यू देंगे जो एंटी नेशनल विचार है जो पहले से ही आएंगे कि भाई हमको सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद है कि सरकार को गिराना है तो वो पत्रकार नहीं होता है उनको फिर राजनीति करनी चाहिए ये मैं जनरली जिनको पॉलिटिकल ओपिनियन में फॉर्म बिलीफ है उनको राजनीति करनी चाहिए जो तो पत्रकारिता की आड़ में राजनीति करना चाह रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए चलिए अच्छा है आप भी पत्रकार रह चुक रह चुके हैं राजनीति में मैं, मैं क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी के विचार में पूर्ण रूप से जी। और मेरा तो अभी इसीलिए मैंने पॉलिटिक्स चालू करी कि मुझे पता है कि आई के नॉट कोट एंड कोट बी न्यूट्रल बिकॉज आई बिलीव इन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड टेकन द कंट्री फॉरवर्ड सो वाई नॉट वर्क फॉर्मली फॉर्मलीट सिंपल इज दैट

<laughs> <laughs> that was the quickest answer which I'm चलिए ठीक है मैं I just hope uh, that whatever you say is true 2000 जेएनके में आप कैसे सरकार बनाएंगे मतलब इट्स लाइक इट माइट बी अ हंग असेंबली एंड यू मे बी सरकार बीजेपी ही बनाएगी बीजेपी के बगैर जेएनके में सरकार नहीं बनेगी तो मतलब आज... सब जगह ईवीएम मैनेज होंगे तो? नहीं ईवीएम नहीं मैनेज होगा जनता में वोट करेगी चलिए और जनता हमें ऐसा वोट करेगी कि हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बना पाएगा तभी फारूक अब्दुल्ला जी इतने फड़फड़ाए हुए हैं और इतने भौखलाए हुए हैं कि कह रहे हैं कि आर्टिकल थ्री सेवेंटी को वापस लेके आ जा पाएंगे जो उनकी दस पीढ़ियां नहीं ला सकती क्योंकि उनके डोमेन में ही नहीं है वो क्यों ऐसा हुआ है क्यों उमर अब्दुल्ला जी जो एक समान में कह रहे थे चुनाव नहीं लड़ूंगा क्यों उनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है दो हजार उन्नीस का चुनाव का चुनाव वो हारे

So, it is an important uh, step towards uh, in the direction of involving more and more youth. I just hope uh, that. See, everybody has to take his vision forward. He gives a vision, everybody in the party and across have to take that vision forward. Mm. That is how I, I look at it.

If you want to continue listening in to such interesting conversations about Bharat, do like and subscribe.